हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब लोग कैसे हैं जी? आई होप सब अच्छे होंगे जी। हम भी अच्छे हैं। हैप्पी शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं जी, जिसे हम बसेड़ा बोलते हैं जी हमारे राजस्थान में। तो राजस्थान से वो तो जरूर जानते हैं जी, और जो राजस्थान से बाहर है वो भी जान ले जी हमारे शीतलाष्टमी पे कैसे मनाई जाती है। शीतलाष्टमी पे हम सप्तमी के दिन आज शाम को ही खाना बना करके रख देंगे। अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे, उन पकवानों का सुबह है भोग लगाएंगे। शीतलाष्टमी, शीतला का मतलब उन्हें बासी भोजन ही चढ़ता है जी, इसलिए अभी शाम को बनाएंगे उनके लिए पकवान। क्या क्या पकवान बनाएंगे वो अंत तक देखोगे वीडियो, आपको पता लगेगा। सास बहू मिलके बनाने वाले हैं पकवान, क्योंकि सुबह है उनके जो बासी शाम को बना के छोड़े हैं उसी का भोग लगता है। शीतलाष्टमी के दिन औरतें, मेरी बहनों, क्या क्या खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उस दिन बाल नहीं धोते हैं, वो जो सिलाई होती है सिलाई नहीं करते हैं। पहले बड़े बुजुर्ग तो नहीं करते थे, सुई में धागा ही नहीं, यानी सुई में धागा ही नहीं पिरोते थे, लेकिन आजकल तो ये सब चलता है। लेकिन बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि शीतलाष्टमी के दिन शीतलाष्टमी माता को सब कुछ बासी ही पसंद है। और शीतलाष्टमी के दिन पता है ना आपको, पूरे दिन वही खाना खाना होता है जो पहले दिन बनाते हैं। और शीतला माता चेचक होती है, जैसे पहले बोदड़ी वगैरह और आंखों की भी इन सारे रोगों का इलाज होता है जी शीतलाष्टमी माता की दुआ से। तो इसके लिए शीतला माता अपनी कृपा दृष्टि खास तौर पे बच्चों पे बनाए रखना, और आप अपना वीडियो अंत तक देखना ताकि पता लगे क्या बना रहे हैं। ये देखो जी, हम बना रहे हैं पकवान जी, लग गए हैं सुबह के लिए। अभी भी पकवान बनाने के लिए, सुबह शीतलाष्टमी है ना, इसके लिए तो अभी अभी मैं बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने चावल बना लिए हैं। ये देखो जी, हमारे चावल तो बन के हो गए हैं रेडी। और एक कढ़ाई रख दी है मैंने, कढ़ाई में तेल गर्म हो जाता है ना, अभी तेल गर्म हो रहा है। इतनी देर में मैं लगा लेती हूँ आटा। सबसे पहले बनाऊंगी पूड़िया। ये देखो जी, मैंने आटा तो साफ कर लिया है, इसको छलनी से छान लिया है एकदम से। और ये थोड़ी सी ली है मैंने अजवाइन, ये सारी अजवाइन इसमें नहीं डालूंगी, क्योंकि थोड़े से बनाने हमको नमक पारे और गुलगुले वो बनाते हैं। इसके बाद में मम्मी और सास वो मिल के बनाएंगे जी दोनों चीजें। शाम के बज चुके हैं 6, तो फिर खाने का भी टाइम हो जाता है ना, इसलिए मैं पहले चावल पूड़िया खुद अकेली बना लूंगी फटाफट, और उसके बाद में गुलगुले शक्कर पारे और नमक पारे वो मिल के बनाएंगे ना, फटाफट बन जाएंगे। नहीं तो रात के लिए रोटियों का हो, खाने का टाइम हो रहा ना, तो रोटियां भी बनानी है और सब्जी भी बनानी है। इसलिए जी ये देखो, अभी आप वीडियो अंत तक देखना क्या क्या बना रहे हो सारी रेसिपी। ये देखो जी, हमारी पूड़िया हो रही है गर्मा गर्म बन के तैयार। आइए आप भी खाइए। ये देखो जी, एकदम से फुली फुली पूड़िया बन रही है, देखो कितनी अच्छी। ये देखो जी, एकदम से फुली फुली पूड़िया बन रही है, एकदम से टेस्टी। आइए, आपका वेलकम है जी। हमारी अभी 4-5 पूड़िया और बनानी है जी, और सारी बन चुकी है। आप भी आइए, लेकिन अभी नहीं खिलाएंगे आपको, खिलाएंगे सुबह, अभी नहीं खिलाएंगे। पहले हमारी शीतला माता के भोग लगाएंगे और उसके बाद में ही आपको खिलाएंगे जी। ये देखो कितनी एकदम से फटाफट हमारी गुड़िया हो रही है रेडी बन करके। फटाफट पूड़िया फटाफट ही बन जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है पूड़ियों को। ये देखो कैसे एकदम से फुली फुली बन रही है पूड़िया। आप आइए, आपका वेलकम है जी पूड़ी खाने के लिए गर्मा गर्म। ये देखो जी, अभी ज्यादा तो नहीं, बस थोड़ी और बनानी। ये देखो जी, हमारी पूड़िया हो गई है बन के रेडी। आइए, आपको भी खानी है तो आपका वेलकम है जी। ये देखो जी, अभी बनाने लग गई हूँ गुलगुले। हमारी पूड़ियाँ हो गई हैं तैयार, और गुलगुलों का घोल भी बना लिया है मैंने, जिन्हें हम शक्कर पारा बोलते हैं जी। अभी वो बना रही हूँ एकदम से पूरे देसी अंदाज में, ना चम्मच का इस्तेमाल ना, और पूरे देसी अंदाज से एकदम से हाथों से डालते हैं ना, तो एकदम से छोटे छोटे गोल गोल आकृति में बनते हैं। चम्मच से डालते हैं तो आधे छोटे बड़े ऐसे बनते हैं जी, तो पूरे देसी अंदाज में बनाया जा रहा है जी। ये देखो, हमारे
गुलगुले हो गए हैं बन के रेडी और अभी बनाने लग गए हैं नमक पारे। और ये देखो मम्मी बैठ के काट रहे हैं इनको ताकि फटाफट बन जाएं जी। और मैं ऊपर इनको तेल में तल रही हूँ जी। ये देखो अभी मेरे थोड़े से गुलगुले ही बचे हुए हैं, पहले इनको काट लेंगे। ये तो फटाफट ही बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनको काटने में, ही थोड़ा सा टाइम लगता है जी। वो तो ये कट के हो गए हैं रेडी, अभी मैं फटाफट बना देती हूँ जी। दोनों सास बहू ने मिल के बनाए हैं बहुत सारे पकवान, आइए आपका वेलकम है जी। ये देखो जी सारे पकवान बन चुके हैं, देखो जी चावल बन के हो गए हैं रेडी, सारे पकवान है तैयार, आइए आपका वेलकम है जी। और ये देखो जी हमने बना लिए हैं गुलगुले, और ये बनाए हैं नमक पारे, ये देखो जी, और ये इधर बना ली है पूड़ियाँ। ये देखो जी सारे पकवान हो गए हैं रेडी, सास बहू ने मिल करके सारे पकवान बना लिए हैं। लेकिन आपको अभी नहीं खिलाएंगे, पहले हमारी शीतला माता को खिलाएंगे, क्योंकि अभी बज चुके हैं रात के 7 और अभी बनाना है खाना मेरे को जी। सारे पकवान ये देखो बन के हो गए हैं रेडी सारे, और अभी बनाना है खाना क्योंकि अभी बज चुके हैं शाम के 7, तो अभी मेरे को रोटी और सब्जी बनानी है जी अभी बाकी, और अभी ज़्यादा लेट तो नहीं हुई है लेकिन खाने का टाइम हो गया है जी। तो अभी बना रही हूँ रोटियाँ और आगे का वीडियो आपको बाद में दिखाऊंगी, आप जुड़े रहना अंत तक। ये देखो जी हम चल पड़े हैं सुबह सुबह के, बज चुके हैं 5, कल इवनिंग में 5 बजे स्टार्ट किया था और अभी सुबह के बज चुके हैं। ये देखो सुबह सुबह एकदम से अंधेरा सा है और भीड़ इतनी पूछो मत कि एकदम से धूप लगाने में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो अभी हम पहुँच गए हैं शीतला माता के पूजन करने के लिए और सारी औरतें इकट्ठी हो चुकी हैं जी, एकदम से भीड़ लगी हुई है काफ़ी। ज़्यादा दूरी पर तो नहीं था, 10-15 मिनट का रास्ता हमारे घर से, तो हम पहुंच गए हैं जी। और ये देखो हमारी शीतला माता जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये मंदिर है एक छोटा सा, इस मंदिर में ही धूप लगाते हैं जी। ये देखो सारी औरतें एकदम से अपना नंबर का कर रही हैं इंतज़ार, इकट्ठी हो रही हैं सारी। ये देखो सब अपना प्रसाद लेकर के गई हैं भोग शीतला माता के लगाने के लिए, क्योंकि ये सुबह सुबह ही लगता है जी सुबह, तो ये सुबह सुबह ही पहुँच गए हैं सारे, हम भी पहुँच गए थे। ये देखो एकदम से अंधेरा था, एकदम से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन औरतें सभी इतनी जल्दी पहुँच गई क्योंकि बाद में बच्चों का टाइम चेंज हो गया, बेटा जी भी 7 बजे स्कूल जाना था ना इसलिए। और ये देखो यहाँ हम एक सार वो 7 अनाज लेके जाते हैं, उनसे पिंडा बना रहे हैं लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। ये घर पर पहुँच करके हमारे जो मेन गेट होता है मंदिर होते हैं ना, उनके ये जो हल्दी होती है उनसे तिलक वगैरह ये बनाते हैं मम्मी, साथिया बना रहे हैं ये देखो, और थोड़ा सा पानी वहाँ से बचा के लाते हैं, ये मंदिर है मंदिर के भी कर रहे हैं, उनसे गेट के आगे वो पानी है वो भी बोलते हैं सिला दिए हैं गेट, ऐसे कुछ रिवाज है जी। और बस यहीं करूँगी मैं मेरे वीडियो का एंड, क्योंकि इवनिंग टू मॉर्निंग हो गया है। लोग आप सभी को शीतला माता की ढेर सारी शुभकामनाएँ, शीतला माता हम सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखें। बाय बाय, राम राम जी सभी को, गुड मॉर्निंग।